तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस इस वीडियो में हम लोग एक बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। तो की फंडामेंटल्स के बारे में बात किया जाए तो पहले ही निकल के आती है कि बुक वैल्यू से आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है, बुक वैल्यू के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। उसके बाद अगर प्रॉफिट ग्रोथ के बारे में बात करें तो कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 40.44% CAGR ओवर पास्ट 5 ईयर्स। तो ये इसकी 5 ईयर्स के CAGR प्रॉफिट ग्रोथ निकल के आ गई। अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में बात किया जाए तो वो निकल के आ रही है, अगर 5 साल के सेल्स ग्रोथ कंपेयर किया जाए तो वो निकल के आ रही है -1.88%। उसके बाद अगर कंपनी की ROE मतलब 3 साल की ROE के बारे में बात किया जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बात किया जाए, तो वहाँ पर निकल के आ रही है 13.97%। उसके बाद कंपनी ओवरऑल आप लोग प्रॉफिटेबल बोल सकते हो, प्रॉफिटेबल बोल के सकते हो, प्रॉफिटेबल ही है ओवरऑल कंपनी। उसके बाद अगर बात करें तो कंपनी में LIC का होल्डिंग है, LIC ओन्ड ये एक बैंकिंग सेक्टर की पेनी स्टॉक रहने वाली है। उसके बाद रिटेलर्स की होल्डिंग, ये सबसे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ना वो सबसे अलग है इस स्टॉक में। तो रिटेलर्स की अगर होल्डिंग के बारे में बात किया जाए तो वो ऑलमोस्ट 4% निकल के आ रही है, 4.41% टू बी एग्जैक्ट ये रिटेलर्स की होल्डिंग है। उसके बाद प्रोमोटर्स की होल्डिंग के बारे में बात किया जाए तो वो है 93.33%। प्रोमोटर्स की होल्डिंग 93.33% है स्टॉक में। अगर 2 साल में बात किया जाए तो प्रोमोटर्स ने ऑलमोस्ट 6% अपना होल्डिंग इंक्रीज़ किया है 2 साल के अंदर अंदर। अगर सितंबर 2018 से कंपेयर किया जाए तो 6% ऑलमोस्ट 6% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज हुआ है। मतलब प्रोमोटर्स लगातार बाय कर रहा है, अगर उन लोगों को 100% मिलते तो 100% ही बाय कर लेते वो लोग, ऐसा हाल हुआ है स्टॉक में। तो ये स्टॉक का की फंडामेंटल्स है। अभी बात करते हैं स्टॉक में कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो, स्विंग ट्रेडिंग का क्या लेवल निकल कर रही है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे लास्ट में फंडामेंटल एनालिसिस के साथ कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसे रहने वाली है। तो चलिए पहले देख लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग का क्या लेवल निकल के आ रही है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, NSE का डेली चार्ट खुला हुआ है। आज ये कंपनी 3.26% डाउन था, 19 रुपीज़ के आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और अगर बात किया जाए तो कंपनी अभी फिलहाल एक सपोर्ट एरिया के आसपास ट्रेड कर रही है, जो कि आप लोग देख सकते हो 18 रुपये के आसपास ये जो सपोर्ट एरिया निकल के आ रही है स्टॉक में, इसके आसपास ये कंपनी ट्रेड कर रही है। तो अभी क्या करना है आप लोगों को, गाइस देखो यहाँ पे अगर गौर से देखोगे तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न फॉर्म कर रही है, ये आप लोग बोल सकते हो। हैंडल तो नहीं हुआ है, कप पैटर्न ही अभी पूरा कंप्लीट हुआ है, अभी हैंडल बनना बाकी है। उसके बाद आप लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे अगर मैं जूम इन कर दूं तो बहुत लोगों को समझने में आसानी होगी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये एक कप एंड हैंडल पैटर्न था, ये एक कप एंड हैंडल, या तो फिर ये वाला जो पैटर्न है वो टोटली एक साथ आप लोग कप एंड हैंडल पैटर्न बोल सकते हो। तो इसके ब्रेकआउट के वेट कर जाओ। अगर कप एंड हैंडल पैटर्न ये फॉर्म नहीं होता है, मतलब कप एंड हैंडल पैटर्न की जैसे ब्रेकआउट नहीं होता है, तो कंफर्म एक बाउंस बैक के लिए वेट कर जाना। ये सपोर्ट से अगर कंफर्मेशन मिल जाए कि ये कंपनी बाउंस बैक होने वाली है, देखो अगर आज भी ग्रीन कैंडल होता ना तो ये कंफर्मेशन मिल जाता कि ये स्टॉक अभी ऊपर जाने वाला है। क्योंकि कल का अगर जो वॉल्यूम देखा जाए तो वॉल्यूम बहुत ही सही था। अगर आज इसके आसपास नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम, तो यहाँ पे एक सेकंड में ये हटा देता हूँ, नॉर्मल एवरेज वॉल्यूम यहाँ पे निकल के आ रही है, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता आज का वॉल्यूम का चार्ट तो और ग्रीन कैंडल के साथ, तो अच्छा खासा बाउंस बैक की कंफर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। आप लोग बाय करके चल सकते हो 20 रुपये के आसपास फॉर द टारगेट्स ऑफ 27 रुपये एंड 30 रुपीज़, ऑलमोस्ट 31 रुपीज़, लेकिन टू बी सेफ 30.9 रुपीज़। ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया, ये इसका एक रेजिस्टेंस एरिया, लेकिन यहाँ का जो गैप है वह बहुत ही वास्ट निकल के आ रही है कंपेयर टू ये दोनों लेवल्स के बीच का जो गैप है। तो गाइज अगर आप लोगों को कंफर्म बाउंस बैक के मतलब बाउंस बैक की कंफर्मेशन मिल जाती है, अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ ये अभी बाउंस बैक देने वाली है और बाउंस बैक हो चुकी है, देने वाली है तो नहीं, अगर ये बाउंस बैक हो चुकी है तो ही आप लोग बाय करना कंफर्म हो जाने के बाद। क्योंकि देखो कहीं पर होता है कि कंफर्म हो जाने के बावजूद आप लोगों को लॉस हो जाता है, लेकिन गाइस जितना हो सके अपने तरफ से कंफर्म रहो तो क्या है लॉस होने की चांसेस कम है। ये नहीं बोल रहा हूँ कि अगर बाउंस बैक कंफर्म मिल जाती है आप लोगों को तो 27 रुपये के टारगेट दिखाएगी, वो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कंफर्मेशन के बाद ही आप लोग, सॉरी फॉर दैट नोटिफिकेशन गाइस, कंफर्मेशन के बाद ही एंटर करना, तो क्या है अपने साइड से सेफ खेलना है टोटली। और फर्स्ट टारगेट 27, तो गाइस एक ही स्विंग में 30 रुपीज़ का टारगेट ये कंपनी नहीं दिखाएगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ 30 रुपीज़ का टारगेट एक ही स्विंग में ये कंपनी नहीं दिखाने वाली है, ये दिमाग में बैठा लो। एक काम कर सकते हो, 27 रुपये में हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो भी सकता है, मतलब 100% से नहीं बोल रहा हूँ कि 31 रुपीज़ या 30 रुपीज़ के टारगेट नहीं दिखाएगी एक ही स्विंग में, लेकिन दिखाने के चांसेस कम है। तो 27 रुपये के आसपास आप लोग पूरा जो प्रॉफिट है वो बुक कर सकते हो, या तो फिर कुछ क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आप लोग बेच सकते हो, जितना आपका इन्वेस्टेड कैपिटल है उसके रेलेवेंट मतलब उसके इक्वल अमाउंट ऑफ शेयर आप लोग बेच सकते हो,
या तो फिर आप लोग टोटल टोटल जो मतलब टोटली जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो टोटल लेके 31 लेवल के लिए होल्ड बिल्कुल भी मत करना, वो बेवकूफ़ी हो जाएगा क्योंकि चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम है 30 के लेवल एक ही स्विंग में हिट करने का। जैसे कि यहाँ पे हुआ था 27.3 के लेवल टच करके, 27.3 या 35 के लेवल टच करके ये कंपनी नीचे गिर गई थी। उसके बाद बहुत दिनों के बाद ऑलमोस्ट डेढ़ महीने के बाद ये 30 के लेवल दिखाया था। तो यही होने वाला है, मतलब ये होने की चांसेस ज़्यादा है, इसलिए मैं बोलूँगा कि यहाँ पे आप लोग एक काम कर सकते हो, पूरा ही कैपिटल लेके निकल सकते हो। फिर से जब ये 27 के लेवल क्रॉस करेगा तब आप लोग 31 रुपीज़ के टारगेट के लिए बाय करके चल सकते हो, अदरवाइज़ ये जो ट्रेड है इन दोनों के बीच में आप लोग रहने ही देना, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों को ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर कन्फर्मेशन मिलते मिलते एटलीस्ट 29 रुपये तक हो जाएगा और 30.9 तक क्या ही होल्ड करोगे। तो अगर यहाँ पे इन दोनों के बीच में आप लोग फ्रेश बाइंग करने के लिए सोच रहे हो तो ये अवॉइड करना, और अदरवाइज अगर आप लोग ये अभी बाई कर लेते हो और यहाँ पे होल्ड करके 31 के टारगेट के लिए होल्ड करना चाहते हो तो आप लोग कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे फ्रेश बाइंग अवॉइड करना, क्योंकि देखो गाइस कोई भी इतना प्रो भी नहीं है कि 27 के लेवल में हाँ कन्फर्मेशन ये सब कुछ मैंने देख लिया। अगर आप लोग उतना प्रो होते तो मेरा वीडियोज़ नहीं देखते, मुझे पता है जो बंदा उतना प्रो होगा ना वो किसी और का बात सुनेगा ही नहीं, अपने से खुद से करेगा वो, इसलिए मैं बोलता हूँ गाइस ये जो ट्रेड है वो अवॉइड करना। अगर आप लोग यहाँ से होल्ड कर रहे हो तो ही 31 रुपीज़ तक वेट कर सकते हो, वो भी होल्ड करना भी आप लोगों के ऊपर है, लेकिन इन दोनों के बीच में स्विंग ट्रेड नहीं लेना जितना हो सके। अगर आप लोग को 28 रुपये से पहले कन्फर्मेशन मिल जाती है तो ही बाई कर लेना, एटलीस्ट 2 रुपये का गैप रखना टारगेट से, और जो एंट्री पॉइंट रहेगा एवरेज ट्रेडेड प्राइस और टारगेट प्राइस से 2 रुपये का एटलीस्ट गैप रखना, 2 रुपये मतलब एटलीस्ट 28.9 से पहले अंदर घुस जाना स्टॉक से, 28.9 से देर मत करना क्योंकि वो बहुत लेट हो जाएगा आपको। अगर स्टॉक बाई चांस कहीं बीच से अगर रिटर्न आता है तो आप लोगों को लॉस भी हो सकता है। तो ये हो गया इसके इंपॉर्टेंट टारगेट्स के बारे में। अभी बात करते हैं कितने क्वांटिटी माल लोग आज CNC में घर लेके गए उसके बारे में। आज तो सेलिंग ज़्यादा हुआ है तो मोस्ट ऑफ द क्वांटिटी जो CNC में दिखाएगा वो सेलिंग की तरफ ही होगा, लेकिन रफ आइडिया ले लेते हैं कितने माल आज लोग CNC में घर लेके गए उसके बारे में। तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो बैंक ऑफ महाराष्ट्र निफ्टी बैंक में लिस्टेड है ऑब्वियसली। उसके बाद अगर पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में बात करें तो सेलिंग की तरफ 5,476 क्वांटिटी अभी पेंडिंग है, और आज ट्रेडेड क्वांटिटी के बारे में बात करें तो 1.5 करोड़ प्लस माल आज ट्रेड हुआ है जिसका वैल्यू निकल के आ रहा है ऑलमोस्ट 3,000 लाख रुपये। उसके बाद अगर बात किया जाए डिलीवरी पोजीशन 43, अगर यहाँ से एटलीस्ट 30% से अप है तो गाइस आप लोग पकड़ के चल सकते हो कि लोग अभी बाई कर रहे हैं, मतलब डिलीवरी में बाई करके लोग घर लेके जा रहे हैं, ये आप लोग पकड़ के चल सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप लोगों को नियर फ्यूचर कभी भी एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं प्रॉपर फंडामेंटल्स पे, क्वार्टरली रिजल्ट कितना है, मतलब कितना प्रॉफिटेबल है, कितना जंप देखने को मिला है कंपनी, क्या बिगड़ रही है या सुधर रही है, उसके बाद कंपनी का क्वार्टरली बैलेंस शीट कैसी है, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, अभी उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो कंपनी क्या करती है, इसके बारे में बताने का लायक कुछ भी नहीं है। तो ऑलमोस्ट 13,500 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप निकल के आ रहा है। स्टॉक का P/E 20.4, ROC 4.62, ROE 4.81, बुक वैल्यू के आसपास ही ट्रेड कर रही है, 2 रुपये ज़्यादा है बुक वैल्यू से, लेकिन आसपास ही हम लोग बोल सकते हो। हाई है 32 रुपीज़ का, लो है 10 रुपीज़ का, ऑलमोस्ट एक साल में 3x रिटर्न देखे गई है, ऑलमोस्ट क्या टोटली 3x रिटर्न आप लोग बोल सकते हो, एक साल में 3x के आसपास रिटर्न देखे गई है एक साल में। उसके बाद अगर बात करें डिविडेंड तो 1 रुपये के नहीं देती है, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करें, स्टॉक इज ट्रेडिंग 1.11 times इट्स बुक वैल्यू, कंपनी हैज डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 40.44% CAGR ओवर लास्ट 5 years। उसके बाद अगर कॉन्स के बारे में बात करें तो गाइस देखो ये जो डिविडेंड वाला पॉइंट है मैं अकाउंट नहीं करता क्योंकि कंपनी जो है वो अपना प्रॉफिट री इन्वेस्ट कर रही है फॉर इट्स फ्यूचर ग्रोथ, तो इनडायरेक्टली इन्वेस्टर्स को ही फायदा है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, कंपनी हैज डिलीवर्ड पोर सेल्स ग्रोथ ऑफ -1.88% ओवर पास्ट 5 years, कंपनी हैज लो ROE, ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया है वीडियो के स्टार्टिंग में। उसके बाद अगर बात करें कंटिजेंट लाइबिलिटीज ऑफ 36,116.57 करोड़, कंपनी मस्ट बी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, अर्निंग्स इंक्लूड इन अदर इनकम ऑफ 2,947.68 करोड़। उसके बाद क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करें, क्वार्टरली रिजल्ट में यहाँ पे तो देख सकते हो रेवेन्यू 3,104 जो कि मार्च क्वार्टर से काफ़ी शानदार है, और रेवेन्यू की अगर बात करें तो दिसंबर 2020 से ऑलमोस्ट एक साल से लगातार बढ़ने में लगा हुआ है, पहले 2,800 के आसपास, पहले उसके बाद 3,010, उसके बाद ऑलमोस्ट 3,100, उसके बाद 3,104, तो लगभग इंक्रीज ही हो रही है।
अगर नेट प्रॉफिट के बारे में बात किया जाए तो नेट प्रॉफिट में आप लोग देख सकते हो 208 करोड़ की नेट प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी। और प्रॉफिट के मामले में ये कंपनी लगातार ये जो है ऑलमोस्ट मार्च 2020 से लगातार इंक्रीज कर रही है ये स्टॉक। पहले 58, 101, 130, 154, 165, 208 ये आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात किया जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग देख सकते हो ईयर ऑन ईयर बेस प्रॉफिट एंड लॉस में आप लोग देख सकते हो नेट प्रॉफिट में 550 करोड़ की प्रॉफिट दिखाई है मार्च 2021 की फाइनेंशियल ईयर में, मार्च 2020 की ईयर में। तो कंपनी लगातार मैं बोल सकता हूँ कि कंपनी सुधर रही है। 657 करोड़ की प्रॉफिट अभी से ही कंपनी ने दे दिया है, अभी से ही कंपनी ने 657 करोड़ की प्रॉफिट दिखा दिया है। अभी सिर्फ आधा ही साल हुआ है फाइनेंशियल ईयर की, आधा ही हुआ है साल मार्च 2022 की फाइनेंशियल ईयर में। तो बहुत ही सही रिजल्ट आने वाला है ये आप लोग पकड़ कर चल सकते हो। उसके बाद अगर बात करें बैलेंस शीट के बारे में, बैलेंस शीट में आप लोग देख सकते हो बोरोइंग्स बहुत ही ज़्यादा है कंपनी के पास, 178,244 करोड़ की बोरोइंग्स है कंपनी के पास, जबकि रिजर्व शीट ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ ही पकड़ते हैं, 6,000 करोड़ के आसपास का है। और बोरोइंग्स जो है कंपनी लगातार इंक्रीज करने में लगा हुआ है मार्च 2018 के फाइनेंशियल ईयर से, ये आप लोग देख सकते हो। बोरोइंग्स एक बहुत ही डाउन पॉइंट हो सकता है इस कंपनी में, अगर ऐसे ही, क्योंकि बोरोइंग्स तो कभी ना कभी तो वो चुकाना पड़ेगा ना। जब ये कंपनी चुकाएगी तब, क्योंकि कंपनी जो डेब्ट है वो कभी भी डिक्रीज नहीं करती है एज सच, कोई कंपनी का जो मतलब बहुत ही ज़्यादा डेब्ट है कंपेयर टू द रिजर्व कंपनी का। उसके बाद कैश फ्लोज के बारे में बात करें, कैश फ्लोज में अच्छा खासा जंप यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपेयर टू मार्च 2020 का फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद शेयरहोल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो, जैसे कि मैंने बोल रहा था सितंबर 2018 से अगर कंपेयर किया जाए तो ऑलमोस्ट 6% से भी ज़्यादा का प्रोमोटर होल्डिंग इंक्रीज हुआ है। उसके बाद FIIs के बारे में बात किया जाए तो FIIs का भी होल्डिंग है 0.08%, DIIs ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज किया है और DIIs लगातार अपने होल्डिंग डिक्रीज करने में लगे हुए हैं, वो भी बहुत मतलब अगर बात किया जाए सितंबर 2019 से। उसके बाद अगर बात किया जाए तो LIC की भी होल्डिंग है, LIC ने भी मार्च 2021 की क्वार्टर, दिसंबर 2020 और मार्च 2021 की क्वार्टर के बीच में अपनी होल्डिंग सेल कर दिया था। उसके बाद अगर पब्लिक के बारे में बात किया जाए तो पब्लिक का 4.41% पैसा टोटली पब्लिक का मतलब छोटे मोटे रिटेलर्स का लगा हुआ है और 4.41% दे होगा। ये जो DIIs FIIs होते हैं ना, ये लोग आते हैं स्विंग ट्रेडिंग्स के लिए या तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए आते हैं या तो फिर लॉन्ग टर्म मतलब 1-2 साल होल्ड करते हैं उसके बाद चले जाते हैं ये लोग। उन लोगों के लिए सच कोई मतलब ये लोग अगर क्विट कर रहे ये देख के कोई डरने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर मान लो कि आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप लोगों के पास 10 करोड़ रुपया है, अगर आप लोगों के पास 20 करोड़ रुपया है, अगर 20 करोड़ रुपया आप लोग स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हो तो ऑलमोस्ट आप लोग बड़े बड़े DIIs ही बन जाओगे, अगर या तो फिर DIIs या तो फिर आप लोग कोई बड़े रिटेलर बन जाओगे कि 20 करोड़ का माल एक कंपनी से उठा लिया मैंने, आप लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्ट किया था, एक महीने बाद जब आपका टारगेट अचीव हो गया आप लोग निकल गए, अब से देख के डर के सब लोग निकल गए कि कंपनी अभी क्रैश होने वाला है, ये नहीं होता है गाइस। आप लोग प्रोमोटर्स का अगर देखते हो, हाँ प्रोमोटर्स का होल्डिंग रहने वाला है, अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखते हैं ना, प्रोमोटर होल्डिंग 6% प्लस इंक्रीज हुआ है। ये देखो गाइस लाइफ इन ये जो LIC का होल्डिंग है ये इन्होंने बेच दिया है, LIC ने बेच दिया है, तो एज सच कोई डरने का बात नहीं है। और गाइस देखो ये आप लोग पॉइंट एज ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस ले सकते हो, लेकिन इससे कुछ कंक्लूड नहीं कर सकते आप लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न से, वो अपना मतलब टोटली लोगों का खुद का मानना है कि मतलब जो लोगों ने भी होल्ड किया है उन लोगों का खुद का डिसीजन है कि मैं होल्ड करूंगा या सेल करूंगा, वो टोटली उन लोगों के ऊपर है, उससे कंपनी में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसलिए मैं उसे पॉइंट ऑफ रेफरेंस के लिए यूज़ करता हूँ, एज सच कोई मैं डिसीजन लेने की कंपनी बाई या सेल करने के लिए मैं उसे यूज़ नहीं करता हूं, तो फिर भी मैं आप लोगों को दिखाता हूं फॉर ए पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो गाइस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, बाय गाइस। एंड अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेरी है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, तो फिर मेरा इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके मुझे DM कर सकते हो, जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने की या तो फिर आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की मैं कोशिश करूंगा। बाय गाइस एंड स्टे सेफ।